मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे जो कि है वाटर। थ्री फोर्थ्स ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जो हमारा अर्थ है उसका तीन चौथाई भाग यानी आधे से ज़्यादा भाग पानी से ढका हुआ है। हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की ज़रूरत है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड ग्रो इन वाटर। बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल्स हैं जो पानी में ही उगते हैं या रहते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो पानी में उगते हैं, पानी में रहते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। अब देखिए एक्वेटिक प्लांट्स, यू मे हैव सीन ग्रीन स्लिपरी सब्सटेंस एट पॉन्ड एंड लेक्स और इवन एट द एजेस ऑफ टैंक्स। आपने ग्रीन कलर का स्लिपरी कुछ सब्सटेंस देखा होगा जिसमें आप पैर रखते ही फिसल जाते हैं, जैसे हम हिंदी में काई बोलते हैं। आप उसे तालाब के पास, नहर के पास या नदी के पास देख सकते हैं। दिस सिंपल वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी। ये वाटर है, हरा हरा जो रहता है ना स्लिपरी, जिसमें हम पैर रखते फिसल जाते काई, इसे एल्गी कहते हैं। लिली एंड लोटस ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। और जो लिली होती है, लोटस होती है, कमल का फूल, ये पॉन्ड्स और लेक्स में ही खिलते हैं। अब देखिए एक्वेटिक एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश आर द मोस्ट कॉमनली सीन एक्वेटिक एनिमल्स। अलग अलग तरह की जो मछलियाँ हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल्स का, ठीक है। दे लिव इन सी पॉन्ड लेक्स एंड रिवर्स। ये जो हैं वो समुद्र में, नहर में, तालाब में, नदी में रहते हैं। फ्रॉक्स एंड टोट्स लिव नियर पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर। फ्रॉक्स और टोट्स है, टोट्स यानी याद रखना, जब फ्रॉग अंडे देता है उसके बाद जो छोटा सा एक वो बनता है उसे, मतलब जो उसका फर्स्ट स्टेज होता है फ्रॉग का, उसे टोड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉन्ड के आसपास, रिवर के आसपास रहते हैं। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स लिविंग रिवर्स एंड लेक्स। एलिगेटर और क्रोकोडाइल जो होते हैं मगरमच्छ, वो भी किस में रहते हैं, नदी में, तालाब में रहते हैं। दे ईट फिश एंड अदर लैंड एनिमल्स दैट कम टू वाटर फॉर ड्रिंक। और ये छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं और उन जानवरों को खाते हैं जो नदी के पास या तालाब के पास पानी पीने आते हैं। द हिप्पोपोटामस और द हिप्पो इज़ द बिगेस्ट एनिमल दैट लिव इन वाटर। हिप्पोपोटामस, अगर आप कभी भी कानन डायरी जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये हिप्पोपोटामस, ये हिप्पो शॉर्ट में बोला जाए, तो ये सबसे बड़ा एनिमल है जो कि पानी में रहता है। अब देखिए वाटर बर्ड्स, फ़िश इज़ द फेवरेट फूड फॉर मैनी बर्ड्स। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जिनके लिए फ़िश तो उनका फेवरेट खाना है। दीज बर्ड लिव अराउंड पॉन्ड लेक्स एंड रिवर्स। तो ये क्या करते हैं, ये तालाब और नदी के आसपास रहते हैं ताकि ये मछलियाँ खा सकें। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वाटर बर्ड्स बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव लॉन्ग नेक्स, लॉन्ग बिक्स एंड थिन लॉन्ग लेग्स। इनके क्या हो जाते हैं, जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है, इनकी चोंच लंबी होती है और इनके पतले से लंबे पैर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। क्रेन्स, स्टॉक्स, हेरन्स, स्पूनबिल्स एंड पेलिकन्स आर सम ऑफ द कॉमन वाटर बर्ड्स। ये सारे जो नाम हैं ये कॉमन वाटर बर्ड्स के हैं जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। दे लिव इन लार्ज ग्रुप। और ये बहुत सारी ग्रुप में रहते हैं, 10-15, 20-25 के ग्रुप में रहते हैं। यू कैन सी डक्स, स्वान्स एंड गीज इन पॉन्ड्स एंड लेक। और आप डक्स को, बदक को, स्वान को और गीस को भी नदी और तालाब में देख सकते हैं। दे हैव वेब्ड फीट आर एंड आर गुड समर स्विमर्स। इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, इनको स्विमिंग अच्छे से आती है। अब देखिए मराइन एनिमल्स और एनिमल्स इन द शीज एंड ओशन। ऐसे जो एनिमल्स हैं जो कि समुद्र में रहते हैं उन्हें कहते हैं मराइन एनिमल्स। द सीज एंड ओशंस आर होम टू मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल। जो सीज हैं और ओशन हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, ये हैं घर हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए। एनिमल्स सच एज जेली फिश, स्टार फिश, ऑक्टोपस, सार्क, सी हॉर्सेस, ईल्स, वेल्स, सील्स, सी लॉयंस एंड डॉल्फिन्स लिव इन द सीजन ओशन। डॉल्फिन हो गया, ऑक्टोपस हो गए, सार्क हो गए, ये किस में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं या महासागर में रहते हैं। स्मॉल एनिमल्स विद शेल्स लाइक स्नेल्स, स्क्विड, काम, ऑयस्टर एंड मैनी मोर लिव इन वेरी लार्ज नंबर्स इन ओशंस एंड सीज। और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनके शेल होते हैं, जैसे स्नेल हो गया, ऑयस्टर हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही लार्ज नंबर में सी ओशन में होते हैं। टर्टल्स लिव इन द सी फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। जो टर्टल होते हैं, कछुए होते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा समय यानी मोस्टली समय वो पानी में ही या समुद्र में और महासागर में रहते हैं। अब देखिए यूजेज ऑफ वाटर, वाटर के हमारे लिए यूज़। वाटर इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। वी ड्रिंक वाटर, इट क्वेंसेस अवर थर्स्ट एंड हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। वाटर हम पीते हैं, ये हमारी प्यास को बुझाता है और
हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, वी वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स विद वाटर। हम नहाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग, हम साफ सफाई के लिए और खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है। वी नीड इट टू ग्रो आवर प्लांट्स, और हमें अपने पेड़ पौधे उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, फिशरमैन गो इन टू द सी इन देयर बोट्स टू कैच फिश, जो बड़े बड़े फिशरमैन होते हैं वो अपनी नाव में बोट में मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में जाते हैं। वेरी बिग शिप सेल इन द सी कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कई कई ऐसी जगह हैं जिसमें हम पानी के जरिए ही जा सकते हैं, यानी हमारे और उनके भी सिर्फ पानी है, तो हम बोट्स में बड़े बड़े शिप में एक जगह से दूसरी जगह सामान भी पहुँचा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं। अब देखिए, सेफ्टी नियर वाटर, मोस्ट वाटर बॉडीज़ आर डीप एंड अनसेफ, बहुत सारी ऐसे वाटर बॉडीज़ होती जो बहुत गहरी होती और बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। वी शुड नेवर बी केयरलेस नियर एनी वाटर बॉडी, हमें किसी भी वाटर बॉडी के पास केयरलेस नहीं होना चाहिए। नेवर गो नियर पॉन्ड्स, लेक्स और द बीच विदाउट एन अडल्ट एकम्पनीइंग, बिना किसी बड़े के, बिना किसी बड़े के परमिशन के या बिना किसी बड़े के हमें कभी भी कोई तालाब नदी या इसमें नहीं जाना चाहिए। हो सकता है हम उसमें डूब जाएं या उनमें कोई जानवर हो जो हमें चोट पहुंचा सके, इसलिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।